आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इश्यूज़ इन मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस तो जो हमारी प्रीवियस वीडियोस थी इस यूनिट की वहाँ पे हमने मशीन लर्निंग के बारे में समझा मशीन लर्निंग की अप्रोचेस के बारे में समझा और बहुत सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस भी किया जिनका हमने वहाँ पे ओवरव्यू लिया है कि वो किस तरीके से काम करती है कौन कौन सी वो एप्प्लीशंस है जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं तो वहाँ पे जो है उन्होंने जो है कुछ इश्यूज फाइंड आउट की हमारी मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को जनरेट करते हैं या फिर फ्यूचर में जो है एक बड़ा इशू क्रिएट कर सकते हैं हमारी मशीन लर्निंग के अंदर या फिर डेटा साइंस की टर्म्स के अंदर तो बहुत सारे इश्यूज हैं बहुत सारे चैलेंजेस हैं मशीन लर्निंग के अंदर या फिर डेटा साइंस के अंदर तो उन चैलेंजेस में से जो है जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है आपके लिए उन सभी को जो है मैंने यहाँ पे हमारे इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है और इन वीडियो के अंदर जो है मैं यहाँ पे इश्यूज नहीं बोल रहा हूँ बार बार यहाँ पे एक टर्म साथ में मैंने ऐड की है इश्यूज एंड चैलेंज़ेस इनको जो है हम एज़ ए चैलेंज अगर ट्रीट करते हैं तो इन प्रॉब्लम्स को इन इश्यूज को जो है हम ओवरकम कर सकते हैं और एक नया सॉल्यूशन जनरेट कर सकते हैं जो कि हेल्पफुल होगा हमारी मशीन लर्निंग और डेटा साइंस इंडस्ट्री के अंदर तो सबसे पहली जो इश्यू है या फिर मैं बोलता हूँ सबसे पहला जो चैलेंज है हमारे मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर वो है डेटा क्वालिटी और बाइसिंग का तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स उतनी ही अच्छी होंगी जितना अच्छा डेटा से हम उन्हें ट्रेन करेंगे यानी कि जितना डेटा हमारा क्वालिटी वाला होगा जितना क्वालिटी डेटा होगा उतनी ही क्वालिटी बेस्ड जो है हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम हमारी प्रोडिक्शंस को हमारे आउटपुट को जनरेट कर सकती है और अगर डेटा हमारा पुअर क्वालिटी का है यानी उसके अंदर एनर्ज हैं, इनकन्सिस्टेंसी है तो हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है इतना अच्छा आउटपुट नहीं जनरेट कर पाएगी और अगर हमारा डेटा बाइस्ड है किसी भी वे में बायस होने का मीनिंग है कि वो सिर्फ़ एक तरफ जो है वो अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को जनरेट कर रहा है तो वहाँ पे भी जो है हमारा मॉडल जो है वो फ्लोट कहलाएगा और हमारे मॉडल के अंदर कमी कहलाएगी सेकंड इशू है सेकंड चैलेंज है हमारा मॉडल इंटरप्रिटेबिलिटी का अब इस इशू के अंदर जो है जो हमारी मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उन कॉम्प्लेक्स मॉडल जो है हमारे मशीन लर्निंग के उनको जो है एज ए ह्यूमन एज ए प्रोग्राम अंडरस्टैंड करना समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरीके से प्रडिक्शन्स पे या फिर डिसीजन पे पहुँच रहे हैं और वो कैसे किसी इनपुट का आउटपुट जनरेट कर रहे हैं अब थर्ड जो हमारा इसके अंदर चैलेंज है वो आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है समटाइम्स हमें बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसिटिव डेटा की रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेडिकल रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल डेटा अब इसको मैं एज एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा का टर्म का यूज़ करें जो कि सेंसिटिव डेटा है बहुत ही पर्सनस का बहुत ही इंडिविजुअल्स का बहुत ही बैंक के कस्टमर्स का फाइनेंशियल डेटा जो है अगर हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उन फाइनेंशियल डेटा में उस कस्टमर की कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगी कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स होंगी जो कि सेंसिटिव है तो वहाँ पे जो है हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में सपोज़ अगर हम क्रेडिट कार्ड स्कोर डिटेक्शन की अगर हम एक एल्गोरिदम एक मॉडल जनरेट करते हैं तो वहाँ पे जो है जब हम उस मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हम बहुत ही लार्ज अमाउंट में डेटा को ट्रेन करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के अंदर जो कि मैं बेसिक्स में डिस्कस कर चुका हूं तो वहां पे जो है जब हम उस लार्ज अमाउंट में सेंसिटिव डेटा का यूज़ करते हैं तो प्राइवेसी और सिक्योरिटी के ब्रीच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये भी जो है हमारा एक चैलेंज है हमारी मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस के अंदर फोर्थ आता है ओवर एंड अंडर अब जो हमारी मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं ये समाइम्स जो है आपके ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग के प्रोसेस से जो है आपके रिजल्ट में जो है पुअर परफॉर्मेंस एड कर देते हैं बेस्ड ऑन न्यू डेटा अब ओवर फिटिंग क्या होता है अंडर फिटिंग क्या होता है इसको मैं डीप में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स है जो कि आने वाली यूनिट में जब हम मशीन लर्निंग स्पेसिफिक एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे बट यहाँ पे अभी समझाने के लिए मैं बता देता हूँ ओवर फिटिंग जैसा कि नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हमें जितना डेटा चाहिए था उससे ज़्यादा अगर हमारा डेटा हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में फ़िट हो रहा है या फिर अंडर फिटिंग उससे कम अमाउंट में हमारा डेटा हमारी एल्गोरिथम में फेडअप किया जा रहा है तो वहाँ पर जो है ओवर और अंडर के प्रोसेस जो है वो मशीन लर्निंग एलगोरिदम के अंदर पुअर रिजल्ट को जनरेट कर सकते हैं फिफ्थ आता है इसके अंदर हमारा डेटा स्केयर अब डेटा स्कैरसिटी जो है ये जेनवनली एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है एक बहुत ही बड़ा इशू है बिकॉज मशीन लर्निंग की हम बात करें डेटा साइंस की हम बात करें हम बेसिकली डेटा से डील कर रहे होते हैं तो ऐसे बहुत सारे डोमेन्स हैं जैसे कि मेडिकल रिसर्च या फिर रेयर इवेंट प्रोडिक्शन यानी कि कुछ ऐसे इवेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयरली अकर होते हैं और स्पेसिफिकली अगर मैं इस डेटा स्कैसिटी के अंदर बात करूंगा तो मेडिकल डेटा की बात करूंगा अब मेडिकल डेटा जो भी होता है हमारा वो बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है करंटली हमारे पास चाहे वो किसी भी कंट्री की हम बात करें बिकॉज जो भी हमारा मेडिकल डेटा है वो कहीं पर स्टोर ज़्यादातर नहीं किया जाता है अब मेडिकल डेटा में बेसिक टर्म्स की बात मैं नहीं करूंगा जैसे कि मेडिकल डेटा के अंदर पेशेंट नेम पेशेंट हिस्ट्री पेशेंट एडमिट पेशेंट रिलीज़ उन डेटा की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ मेडिकल डेटा का मीनिंग है कि बेसिकली उसकी हेल्थ रिलेटेड जो भी डेटा है उसके डिजीज़ रिलेटेड जो भी डेटा है उसके क्यूरेशन रिलेटेड जो भी डेटा है वो जो आता है हमारा टेक्निकली मेडिकल डेटा के अंदर तो वो जो डेटा है अभी करंटली हमारे पास बहुत ही लिमिटेड डेटा अवेलेबल है जिससे हम जो है हमारी मशीन लर्निंग मॉडल को इतना एफिशेंटली ट्रेन नहीं कर सकते हैं यानी कि डेटा की जहाँ पे कमी होगी जो एफिशेंट डेटा हमारे पास नहीं होगा ये भी जो है हमारा चैलेंज बन के आता है जिसे हम डेटा स्कैरसिटी के नाम से टेक्निकल टर्म्स में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं सिक्स आता है इसके अंदर हमारा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जितनी भी हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इनको जो है लेटेस्ट रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेसिंग पावर या फिर स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर पर रन करती है अब ऐसा नहीं है कि ये लोकल या फिर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास इतने स्पेसिफ़िक इतने पावर हार्डवेयर नहीं है तो उनसे काम नहीं करेगी अब ये एल्गोरिदम वहाँ पे भी रनस करती हैं वहाँ पे भी यूज़ की जाती है बट उतना एफिशिएंटली जो है ये हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स वहाँ पे आउटपुट नहीं प्रोडिक्ट कर सकती तो कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी जो है एक चैलेंज है कि हमारे पास वो एग्जैक्ट वो स्पेशलाइज्ड रिसोर्स होने चाहिए जो कि हमारी मशीन लर्निंग एलगोरिजम के अंदर रिक्वायरमेंट होती है अब इसकी रिक्वायरमेंट इतनी क्यों है बिकॉज हम बिलियंस ऑफ डेटा मिलियंस लाइन्स ऑफ डेटा पे वर्क करते हैं और इतना सारा डेटा जब एक साथ हैंडल किया जाता है उन डेटा पे प्रोसेसिंग की जाती है तो ये जो है हमारे सिस्टम को क्रैश कर सकता है और हमारी एलगोरिज्म को अनएफिशेंटली इफ़ेक्ट कर सकता है तो इसलिए जो है कंप्यूटेशनल रिसोर्स भी जो है आपका एफिशिएंटली होने चाहिए स्पेशलाइज्ड होने चाहिए ताकि हमारी एम एल या फिर डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पर भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो एफिशेंटली रन हो तो ये जो है हमारे वो टॉप सिक्स ऐसी यहाँ पे मैंने आपके लिए इश्यूज या फिर चैलेंजेस फाइंड आउट किए मशीन लर्निंग एलगोरिदम और डेटा साइंस के थैंक यू